कोरोना और लॉकडाउन के चलते लगभग ढाई महीने से बंद धार्मिक स्थल, रेस्तरां, होटल और शॉपिंग मॉल आज यानी सोमवार से खुल गए हैं। इनके खुलने के बाद भी सब पहले जैसा नहीं रहा। पूजा पाठ, रेस्तरां में खाना खाने और मॉल में शॉपिंग करने के तरीके बदल दिए गए हैं। नियमों के साथ आपको यहाँ जाने की अनुमति दी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग और संक्रमण से बचने हेतु साफ सफाई के तय मानकों के मुताबिक राज्यों में तैयारियां की गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने धार्मिक स्थलों, रेस्तरां, होटल और मॉल के लिए SOP जारी किया है, जिससे लोग कोरोना से बचने के लिए आवश्यक उपाय कर सकें। सभी राज्यों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहले चरण की सफलता पर सरकार का आगे का प्लान निर्भर करेगा। दूसरे चरण की योजना में स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान खोलने पर विचार किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि इस बारे में अंतिम निर्णय मौजूदा हालातों का आकलन करने के बाद लिया जाएगा। अगस्त के उपरांत ही विश्वविद्यालयों में नए सेशन की भी शुरुआत हो सकेगी। जुलाई में सभी भागीदार पक्षों से बातचीत के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। आइए जानते हैं कि अनलॉक वन के तहत मिलने वाली छूट को लेकर किस राज्य में क्या क्या तैयारी है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। अनलॉक व्यवस्था के दूसरे चरण में यूपी सरकार ने सोमवार से जनता के लिए और भी सहूलियतें देना शुरू कर दिया है। इनका उपयोग बेहद सतर्कता और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करना होगा। 8 जून से धार्मिक स्थल के साथ साथ शॉपिंग मॉल, होटल व रेस्तरां तो खुलेंगे ही, साथ ही सरकारी दफ्तर भी पूरी तरह से खुल जाएंगे। अधिक कंटेनमेंट जोन वाले शहरों और जिलों में फिलहाल इन्हें खोले जाने पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। प्रदेश सरकार ने जिला अधिकारियों को इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी DM और SP को निर्देश जारी किए हैं। सभी अधिकारियों ने अपने अपने जिलों में नई व्यवस्था लागू करने की रणनीति बनाई है। CM ने साफ कर दिया है कि अनलॉक का मतलब स्वतंत्रता नहीं है। आदेश को लेकर शासन और प्रशासन भीड़ एकत्र न होने को लेकर खासी सतर्कता बरत रहा है। प्रदेश में खुल रहे सभी स्थलों पर लोगों की आवाजाही पर निगाह प्रशासन रखेगा। ये भी देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों और मुख्य सचिव द्वारा लागू गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या नहीं। श्री कृष्ण जन्म स्थान को छोड़कर ब्रज का कोई भी प्रमुख मंदिर सोमवार को नहीं खुलेगा। जिलाधिकारी द्वारा मंदिर प्रबंधकों के साथ की गई बैठक के बाद सभी ने वर्तमान हालात में मंदिर खोलने से हाथ खड़े कर दिए हैं। मंदिर प्रबंधन का साफ कहना है कि मंदिर आने वाली भीड़ को जब तक पुलिस प्रशासन नियंत्रित नहीं करेगा, वो मंदिर नहीं खोल सकते। मिर्जापुर का मां विंध्यवासिनी धाम, मथुरा का बांके बिहारी मंदिर, लखनऊ की आसिफी मस्जिद शामिल है। बाराबंकी में देवा शरीफ मजार भी 24 जून से पहले नहीं खुलेगी। वहीं वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर मंगलवार से खुलेगा। वहीं दिल्ली में धार्मिक स्थल खुल गए हैं। अनलॉक वन के तहत दिल्ली सरकार ने सोमवार यानी आज से शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और रेस्तरां खोलने का ऐलान कर दिया है, लेकिन होटल और बैंक्वेट हॉल अभी बंद रहेंगे। दिल्ली में इन चीजों को खोलने की तैयारी पहले ही शुरू हो चुकी थी। अब आप जहां भी जाएंगे वहां मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। NCR के गुड़गांव में होटल खुलेंगे लेकिन फरीदाबाद में नहीं। हरियाणा के इन दो शहरों में मॉल, धर्मस्थल और रेस्तरां पर अभी भी पाबंदी रहेगी। गाजियाबाद में धर्मस्थल तो सोमवार से खुलेंगे लेकिन रेस्तरां 10 जून से और मॉल 11 जून से खुलेंगे। गाजियाबाद में बैंक्वेट हॉल बंद रहेंगे। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को छोड़ अन्य सेवाओं को खोलने के आदेश जारी किए हैं। होटल छोड़कर सब कुछ शाम 7 बजे तक खोला जा सकेगा। देर शाम मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने ये आदेश जारी किए। होटल संचालकों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे कोरोना के लिहाज से संवेदनशील शहरों से कोई बुकिंग नहीं लेंगे। कर्नाटक में धार्मिक स्थल, मॉल, रेस्तरां सोमवार को खुल गए हैं। यहाँ बच्चों और बुजुर्गों को प्रवेश नहीं मिलेगा। चर्च जाने वालों को 13 जून तक इंतजार करना होगा। मंदिरों में चरणामृत या प्रसाद का वितरण नहीं किया जाएगा, न ही भक्त मंदिर की घंटियों को बजा सकेंगे। वहीं तेलंगाना में सख्त नियमों के साथ मॉल, रेस्तरां खुल रहे हैं। सीमित संख्या में प्रवेश, सामाजिक दूरी का अनुपालन और अन्य दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है। पंजाब में लंगर में प्रसाद देने पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने पंजाब सरकार को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि लंगर को लेकर जारी दिशा निर्देशों की पंजाब सरकार समीक्षा करे। उन्होंने कहा कि लंगर सिख धर्म का अविभाज्य अंग है। लॉकडाउन के मौजूदा चरण में राज्य सरकार ने सोमवार से धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी है। वहीं गुजरात सरकार ने फैसला लिया है कि धार्मिक स्थलों में सामाजिक मेलजोल से
दूरी बनाई रखी जाएगी। भीड़ जमा होने से बचने के लिए शिफ्ट के अनुसार प्रार्थना आयोजित की जाएगी। वहीं श्रद्धालुओं को प्रवेश का समय देने के लिए टोकन प्रणाली शुरू करने का फैसला लिया है। सोमनाथ मंदिर सोमवार से स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा। अन्य जिलों के श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए 12 जून से ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। वहीं मॉल और रेस्तरां में केंद्र सरकार द्वारा जारी नियम के मुताबिक लोगों को आने दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पिछले सप्ताह लॉकडाउन को 30 जून तक विस्तारित करते हुए धार्मिक स्थलों को कुछ समय के लिए और बंद रखने का निर्णय लिया है। राज्य के कानून एवं न्याय विभाग के सचिव राजेंद्र भागवत ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और अन्य धार्मिक स्थल खोलने पर अभी निर्णय लिया जाना बाकी है। इस तरह से स्थलों पर लोगों को एकत्र होने की अनुमति देने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। बिहार में मंदिर, मस्जिद समेत कई धार्मिक स्थलों पर लोग जा सकेंगे। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिन सुबहानी ने इसका आदेश जारी किया है। इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा। रेस्तरां और मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बनाए गए कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं मिलेगी। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन लागू रहेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।